गीता का अध्याय 2 का 27वां श्लोक संस्कृत और हिंदी में। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जनमा मृतस्य च तस्मादपि रहि हायोर्धे न त्वं शोचि तु मर्हसि। आप सभी को जय श्री राधा कृष्ण। मैं अभिषेक, आज इस श्लोक का उदाहरण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान के इच्छा होने के कारण अपरिहार्य तथा और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पापियों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सज्जनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। इसलिए हम मनुष्य को हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे वो अपने घर वाले हों, चाहे वो बाहर वाले हों, चाहे कोई भी हो, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। गीता के इस श्लोक को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राधा कृष्णा।